आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्टार कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं और डेल्टा कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। क्या मोटर स्टार कनेक्शन में करंट ज़्यादा लेती है या डेल्टा कनेक्शन में करंट ज़्यादा लेती है, और अगर हमें स्टार करंट मालूम है तो हम स्टार करंट को इस्तेमाल करते हुए डेल्टा करंट किस तरह मालूम कर सकते हैं, अगर हमें डेल्टा करंट मालूम है तो डेल्टा करंट को इस्तेमाल करते हुए हम स्टार करंट किस तरह मालूम कर सकते हैं। जब भी बात की जाए स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन की, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये थ्री फेस सप्लाई है, इसमें रेड, येलो और ब्लू फेस होंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार कनेक्शन हम किस तरह करते हैं। स्टार कनेक्शन में हमारे पास जो तीन फेस हैं, तीनों फेसों को जो लास्ट वाले सिरे हैं उनको आपस में मिलाकर हम एक न्यूट्रल निकाल लेते हैं। और जो तीन फेस है ऊपर, इसके एक फेस यहाँ से निकल जाएगा, फिर एक फेस यहाँ से निकल जाएगा, और एक इसमें हमारे पास स्टार कनेक्शन होते हैं, इसमें एक पॉइंट न्यूट्रल का आता है और तीन फेस के होते हैं, इसे फोर वायर सिस्टम भी कहते हैं। और इसके बाद डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन में हम दो फेसों को आपस में मिलाकर एक कनेक्शन निकालते हैं, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर ए और सी को मिलाकर हमने एक कनेक्शन निकाला, फिर ए और बी को मिलाकर एक कनेक्शन निकाला, फिर सी और बी को मिलाकर एक कनेक्शन निकाला, इसे हम थ्री पॉइंट ठीक है डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। इसमें तीन वायर होती हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टार और डेल्टा कनेक्शन की बात की, जो थ्री फेस होते हैं इसमें रेड, येलो और ब्लू फेस होते हैं। ये एसी मशीन में इस्तेमाल होते हैं, यानी मोटर्स ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होते हैं। जब बात करते हैं हमारे पास स्टार में, तो स्टार में हमारे पास फेस वोल्टेज होते हैं, जो डेल्टा में बात करें तो इसमें लाइन वोल्टेज होते हैं। स्टार में इसलिए फेस वोल्टेज होते हैं, इसमें एक फेस और एक न्यूट्रल होती है। मैं डेल्टा में बात करें तो उसमें दोनों फेस आपस में मिलाकर एक वायर निकाली जाती है, इसे हम सिंगल फेस कहते हैं, इसे हम टू फेस भी कह सकते हैं डेल्टा कनेक्शन। यहाँ पर हमारे पास एक मोटर में हम 4 kW लोड डालकर स्टार कनेक्शन में और डेल्टा कनेक्शन में डालकर दोनों में चेक करते हैं कि क्या मोटर स्टार में करंट लेती है ज़्यादा या डेल्टा में ज़्यादा करंट लेती है। चलिए जी सबसे पहले शुरू करते हैं जी स्टार की तरफ। हमारे पास एक मोटर है 4 kW की, हमें स्टार में इसका करंट मालूम करना है, क्योंकि स्टार में हमारे पास फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज होते हैं। हमारे पास वोल्टेज है 415 वोल्टेज और उसको हमने तकसीम करना है अंडर रूट 3 से, क्योंकि स्टार में इसको हमने सिंगल फेस में लाना है फेस टू न्यूट्रल में। अंडर रूट 3 बराबर होता है 1.732, इसको हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएंगे 240 वोल्टेज। फिर हमारे पास करंट मालूम करने का फार्मूला है स्टार में, आई बराबर पी पावर तकसीम वोल्टेज मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 यानी कि जजर 3। जजर 3 बराबर होता है 1.732 के मल्टीप्लाई पावर फैक्टर 0.8 के। अब वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले में। हमारे पास मोटर है 4 kW की, 4000 हमारे पास यहाँ पर लिख लिया, तकसीम 240 वोल्टेज ये आ गए, ज़रब अंडर रूट 3 1.732 के बराबर होता है, पावर फैक्टर हमारे पास है 0.8। हमारे पास स्टार में जो इसमें तकसीम करके इसको जो आंसर हमारे पास आया है वो 12 एम्पीयर है, यानी कि जो हमारे पास 4 kW की मोटर स्टार्टिंग के वक्त स्टार कनेक्शन में 12 एम्पीयर करंट लेती है। अगर बात की जाए डेल्टा कनेक्शन की, डेल्टा कनेक्शन में जो वोल्टेज होते हैं फेस वोल्टेज वो उतने ही वोल्टेज होते हैं टू फेस के, 415 वोल्टेज। इसी फार्मूले के तहत हम वोल्टेज निकाल लेते हैं, इसका करंट निकाल लेते हैं। आई बराबर 4000 तकसीम 415 ज़रबे अंडर रूट 3 बराबर होता है जी हमारे पास 1.732 के मल्टीप्लाई पावर फैक्टर 0.8 के। तो हमारे पास आंसर आ चुका है कि आई बराबर 6.95 एम्पीयर। अब ये साबित हो गया कि हमारे पास जो मोटर है स्टार में करंट ज़्यादा लेती है 12 एम्पीयर, और जो डेल्टा में है उसमें करंट कम लेती है। जब भी हम किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले से स्टार में चलाते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, उसको चलाने के लिए हम ज़्यादा एम्पीयर इस्तेमाल करते हैं। जब मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है उसको हम डेल्टा पे शिफ्ट कर देते हैं। जिस तरह के हमने मालूम कर लिया कि स्टार करंट और डेल्टा करंट, स्टार करंट हमारे पास निकला है 12 एम्पीयर और डेल्टा करंट हमारे पास आया 6.9 एम्पीयर। स्टार करंट की मदद से हम डेल्टा करंट किस तरह मालूम कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 12 एम्पीयर स्टार करंट आया, उसको हमने तकसीम कर देना है अंडर रूट 3 से। अंडर रूट 3 बराबर होता है 1.732 के बराबर। जब हम तकसीम करेंगे तो इसको हमारे पास आंसर आएगा 6.95। ये वही करंट है जो हमारे डेल्टा करंट आया था, क्योंकि स्टार करंट अगर हमें मालूम है तो हम इसको इस फार्मूले के तक डेल्टा करंट मालूम कर सकते हैं। अगर हमें डेल्टा करंट मालूम है, जिस तरह हमारा डेल्टा करंट आया था 6.95, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 से। अंडर रूट 3 बराबर होता है 1.732 के। तो इसको हमारे पास आंसर आ चुका है 12 एम्पीयर। जो हमारे स्टार में मालूम किया था वही 12 एम्पीयर करंट यहाँ पर आ सकता है। अगर हमें डेल्टा करंट दिया गया तो हम डेल्टा करंट को इस्तेमाल करते हुए, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इस स्टार करंट निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी प्रेस कर दीजिए।